कर्नाटक में सावरकर के पोस्टर को लेकर अब टेंशन शिवमोगा के बाद दूसरे शहरों में भी होने लगी है। शिवमोगा में जहां पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू किया, तो वहीं अब दूसरे शहरों में टेंशन की आशंका पैदा होने लगी। अब कर्नाटक के तुमकुरु में सावरकर के पोस्टर फाड़े गए हैं, पुलिस पोस्टर फाड़ने वालों की तलाश में जुट गई है। वहीं उडुपी में सर्किल में लगे सावरकर के पोस्टर हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस अड़ गई है। कांग्रेस ने स्थानीय नेताओं ने चेतावनी दी है कि उडुपी से सावरकर के पोस्टर नहीं हटाए गए तो हालात बिगड़ सकते हैं। वहीं इस मामले में बीजेपी भी आक्रामक हो गई है। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने पूछा था कि मुस्लिम इलाके में सावरकर के पोस्टर क्यों लगाए गए। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के एस ईश्वरप्पा ने कहा कि सारी जमीन हिंदुस्तान की है, मुसलमानों की एक इंच भी नहीं है। इस बीच टेंशन को देखते हुए शिवमोगा को लेकर उडुपी तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शिवमोगा में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है तो उडुपी के सड़कों पर भी पुलिस गश्त लगा रही है। शिवमोगा में पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी उतारा गया है और साथ ही दूसरे जिलों की पुलिस फोर्स को भी शिवमोगा में तैनात कर दिया गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री ने भी कांग्रेस से पूछा कि जिस इलाके में मुसलमान रहते हैं क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। शिवमोगा में अभी हालात कंट्रोल में है, पुलिस की प्लाटून के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। पुलिस ने रूट मार्च किया है, अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिस युवक को चाकू से मारा गया था उससे मैंने हॉस्पिटल में जाकर मुलाकात की है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना पर भी हमने तुरंत एक्शन लिया। इस तरह की घटनाओं को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। कांग्रेस हर मुद्दे पर मेरा इस्तीफा मांगती है। इस घटना में लोगों को भड़काने का काम कांग्रेस की पार्षद के पति ने किया। सिद्धारमैया कह रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों में सावरकर की फोटो लगाई गई, लेकिन मैं सिद्धारमैया से पूछना चाहता हूं कि जिन इलाकों में मुसलमान रहते हैं क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? आखिर वहां सावरकर की फोटो क्यों नहीं लगाई जा सकती? फिलहाल शिवमोगा में हालात काबू में हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस ने शिवमोगा में फ्लैग मार्च किया। कर्नाटक पुलिस के 2000 जवान शिवमोगा और इसके पड़ोसी जिले भद्रावती में तैनात किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियां भी बुलाई गई हैं। शिवमोगा के एसपी की मदद के लिए अलग अलग जिलों से 3 एसपी और 4 एडिशनल एसपी को बुलाया गया है। सीआईडी की एक स्पेशल टीम को भी तैनात किया गया है। 3 दिन तक धारा 144 भी लगाई गई है। इस विवाद के पीछे भी पीएफआई का नाम सामने आ रहा है। पीएफआई के स्टूडेंट यूनियन एसवीपीआई ने मॉल में वीर सावरकर के फोटो हटाने की मांग को लेकर हंगामा किया। वहीं शिवमोगा के अमीर अहमद सर्कल पर टीपू सुल्तान की फोटो का हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया। कहा कि टीपू सुल्तान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं था। हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने वहां वीर सावरकर की फोटो लगाई तो मुसलमानों ने सावरकर की फोटो उतार दी। इसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर लाठियां बरसाई, जिसके बाद प्रेम सिंह को चाकू मारा गया। प्रेम सिंह को चाकू मारने वाले जबीउल्लाह के साथ ही नदीम तनवीर और अब्दुल रहीम नाम के 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब इन सभी 4 आरोपियों से पूछताछ करेगी कि कहीं उनके रिश्ते पीएफआई, एसवीपीआई या इस तरह के किसी संगठन से तो नहीं है। 20 साल के जिस प्रेम सिंह नाम के लड़के को चाकू मारा गया वो राजस्थान के बाड़मेर का रहने वाला है। परिवार बहुत गरीब है, इसलिए रोजी रोटी की तलाश में शिवमोगा आया था। प्रेम कपड़े की दुकान पर काम करता था, किसी से उसकी दुश्मनी या रंजिश नहीं थी। प्रेम सिंह के रिश्तेदार ने बताया कि माथे पर टीका लगा होने की वजह से उस पर हमला किया गया। सावरकर के पोस्टर पर विवाद केवल शिवमोगा में ही नहीं हुआ। शिवमोगा के एक दिन बाद तुमकुरु में भी सड़कों पर लगे सावरकर के पोस्टर फाड़ दिए गए। ये देखिए, इसी जगह पर सावरकर के पोस्टर लगे थे लेकिन उन्हें फाड़ दिया गया। पुलिस सीसीटीवी की मदद से पोस्टर फाड़ने वालों की तलाश कर रही है। कर्नाटक के उडुपी में लगा वीर सावरकर का ये पोस्टर भी कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। कांग्रेस के स्थानीय नेता पोस्टर हटाने की मांग करने लगे। प्रशासन ने कहा कि इजाजत लेकर ये पोस्टर लगाया गया है तो कांग्रेस ने चेतावनी दी कि शिवमोगा जैसे हालात से बचना है तो पोस्टर हटा लिए जाए। आजादी के उत्सव पर हर जगह स्वतंत्रता सेनानियों के पोस्टर लगाए गए हैं। महात्मा गांधी से लेकर तमाम लोगों के पोस्टर यहां लगे हैं, जिनमें देश के प्रति उनके योगदान को दिखाया गया है। लेकिन इस सर्कल पर सावरकर का फ्लेक्स लगाया गया है। इस पर पहले से ही पूरे राज्य में बवाल हो रहा है। मंगलुरु में भी ऐसे पोस्टर्स को हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ बिना परमिशन के फ्लेक्स लगाया गया है। जब हमने नगर पालिका के कमिश्नर से पूछा तो झूठ बोल रहे हैं कि इस फ्लेक्स को लगाने की परमिशन दी गई है। परमिशन मिलती है तो बोर्ड पर एक नंबर लिखा होता है, वो इस बोर्ड पर नहीं है। मान लें कि अगर परमिशन भी दी गई है तो राज्य भर में इस मसले को लेकर तनाव को नगर पालिका के अधिकारियों ने कैसे नजरअंदाज कर दिया, ये सब गलत है।
जब हम यहां आए तो पोस्टर हटाने के बजाय उसे पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। हम अपील कर रहे हैं कि नगरपालिका के लोग इसे निकाल दें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी। उडुपी में अभी शांति है, हम नहीं चाहते कि जिस तरह शिवमोगा और अन्य इलाकों में तनाव फैला है वैसी स्थिति उडुपी में भी आए। शिवमोगा में तो हालात काबू में है, लेकिन दूसरे शहरों में टेंशन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ऊपर से सियासी बयानबाजी आग में घी डालने का काम कर रही है। शिवमोगा से इंडिया टीवी के लिए टी राघवन की रिपोर्ट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।